अंतिम पुरुषार्थ व विशेष संदेश विश्व की सभी आत्माओं प्रति। ड्रामा अनुसार संगम युग का समय समाप्ति पर है, इसलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य मुख्यतः भगवान को खुश करने का ही हो, अर्थात भगवान को मानने की बजाय भगवान की आज्ञा मानने पर अटेंशन हो। मनुष्यों की तो युगों युगों से सुनते आ रहे हैं, परंतु भगवान की कब सुनेंगे, जबकि वह वर्तमान समय विश्व परिवर्तन करने आया हुआ है। इसलिए दूसरों को परिवर्तन करने की बजाय स्वयं के परिवर्तन पर ही विशेष फोकस रहे। राम राम अथवा बाबा बाबा कहने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि स्व परिवर्तन से आएगा। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने से आएगा। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से आएगा, क्योंकि आत्मिक रूप से सभी का निराकार रूहानी पिता एक है और घर भी एक है, मुक्ति धाम या परम धाम। इस नाते से आत्मा का धर्म है पूरे विश्व में प्रेम शांति सुख की तरंगे फैलाना और अपनी मीठी वाणी निस्वार्थ बोल अपनी निर्माणता से हर एक धर्म के भाई बहन को बांटते जाना। धर्म महान बनने का रास्ता बतलाता है। आपस में मतभेद करना हिंसा करना यह नहीं सिखलाता। विश्व परिवर्तन भी इसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि हर दिन को अंतिम दिन और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अपना श्वासोश्वास सफल करना है, फिर भी मोटे तौर पर इस 2024 वर्ष में अपने पुरुषार्थ में तीव्रता और नवीनता लाएं, जिससे 2024 में 24 कैरेट गोल्ड बन संपन्न व संपूर्ण बन जाएं। इसके लिए ना बुरा देखें, ना बुरा सुने, ना बुरा बोलें और ना बुरा सोचें। पुराने संस्कारों के परिवर्तन पर पूरा जोर लगा दें। कहीं पूरे कल्प का भाग्य बनाने का यह अंतिम मौका भी हाथ से ना निकल जाए और यह कहावत सिद्ध हो जाए, अब पछताहे होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत, यानी श्वास रूपी चिड़िया अंतिम विदाई ना ले ले। अतः अपने को आत्मा समझ अपने प्यारे निराकार शिव पिता को याद कर जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करें और पावन बने। सुख शांति की दुनिया शुरू हो चुकी है। ओम ध्वनि के जरिए परमात्मा से जुड़े और शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पाएं। परम धाम में मुक्ति और नई सतयुगी स्वर्गीय दुनिया में जीवन मुक्ति का अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। अब संसार के विस्तार में ना जाकर समेटने का ही अंतिम पुरुषार्थ हो, क्योंकि यही समय है वापस आत्माओं की दुनिया में प्रस्थान करने का, जो हम सभी आत्माओं का निजी घर है, जहाँ से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह रूपी चोला पहनकर अपना अपना पार्ट बजाने उतरे हैं। अब यह बेहद का नाटक परिवर्तन होने को है, इसलिए वापसी यात्रा के लिए तैयार रहें। दो ही विकल्प है आत्माओं के पास, या तो परमात्मा याद से विकर्म विनाश कर भाग्य बनाना अथवा सजा खाकर पाप विनाश करना, क्योंकि परमात्मा पिता के रूप में प्यार का सागर बन निस्वार्थ प्रेम भी लुटाता है, तो महाकाल के रूप में रुद्र रूप धारण कर कर्मों का हिसाब भी लेता है। लेकिन दोनों पार्ट में आत्मा का कल्याण ही निहित है, क्योंकि वह है ही विश्व कल्याणकारी बेहद का रचयिता। अंत में यह विशेष संदेश कि कोई भी विनाश का संकल्प कर अपना पाप का खाता ना बढ़ाएं, जो होना होगा वह दृश्य अपने आप सामने आ जाएगा। हमें अच्छा बुरा सबके लिए तैयार रहना है, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो भी होता है उसमें कल्याण ही समाया है, ऐसा पक्का विश्वास रखें। जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म हम व्यक्ति या प्रकृति के साथ करते हैं, उसका ही रिटर्न हमें मिल रहा होता है, इसलिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं सृष्टि परिवर्तन में। विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है,
सच्चा सच्चा सनातनी बने, यानी तन मन दोनों से शुद्ध शाकाहारी। सनातन धर्म यानि सत्य मार्ग पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले, सत्य पिता से रचने वाला। जो सत्य मार्ग पर चलता हो वही श्रेष्ठ धर्म है, वही ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। भारत की पावन भूमि पर श्री कृष्ण का आवाहन करो, श्री कृष्ण जल्द आ रहे हैं, तो यह धरा देवभूमि स्वर्ग बन पुनः स्वर्णिम युग सतयुग आ जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ व शुभ संकल्प द्वारा विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। यह संकल्प पूरे ब्रह्मांड में घूमेगा और आपका पुण्य का खाता जमा होगा। यह मैसेज सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह जन जन तक पहुँचे और कोई अंत में यह उलाहना ना दे कि भगवान इस धरा पर विश्व परिवर्तन विश्व कल्याण करने आए और हमें संदेश ही नहीं मिला, वरना हम भी भगवान को समर्पित हो जाते, हम भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन अपना भाग्य बना लेते। जागो, उठो, समय को पहचानो, समय और स्वयं को ध्यान में रखकर परिवर्तन करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। ईश्वरीय सेवा में ओम शांति, ओम नमो शिवाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।